दोस्तों, और आप लोगों ने भी अपना एक फेसबुक पेज बनाया था और अभी आप लोग किसी कारण से उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट एंड तक वॉच करते रहना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने फेसबुक पेज को हमेशा के लिए डिलीट कैसे कर सकते हो। तो चलिए यार, हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, साइड में आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन दिख रही होगी और अब हम लोग सबसे पहले अपनी फेसबुक ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट में अपनी फेसबुक ऐप को ओपन कर लेता हूँ एंड फेसबुक ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी ये हमारी जो है प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल है, तो हमने अभी जो पेज बनाया है पहले हमें उसके ऊपर जाना है। तो इसके लिए हमें सिंपली अपने प्रोफाइल पर टैप करना है। प्रोफाइल पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है इसके आगे आपको एक एरो वाला निशान दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जो भी आपका पेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी जो हमारी प्रोफाइल है और जो नीचे इसके पेज है इस पर हम लोग चले जाते हैं। तो ये फाइनली यहाँ पर स्विच होने लग गया है और हमारी जो प्रोफाइल है उससे ये अब पेज में आ जाएगा, मतलब हमारा पेज एक्टिव हो गया है। तो अब हमें इस पेज को डिलीट करने के लिए करना क्या है, सिंपली आपको अपने जो प्रोफाइल वाला आइकन है इस पर आपको चले जाना है। जैसे आप लोग इस पर जाओगे आपको सबसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो आपको इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स पर चले जाना है। जैसे आप लोग सेटिंग्स पर जाओगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे ऊपर आपको पेज सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको पेज सेटिंग्स पर चले जाना है। एंड पेज सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे जाना है। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे देखने को मिल जाएंगे, तो आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेस एंड कंट्रोल का, इस वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। यहीं से आप अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, मतलब आप लोग अपने पेज को अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो सिंपली हमें इस वाले ऑप्शन पर जाना है। इस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा डीएक्टिवेशन पेज, मतलब आप अपने पेज को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। डीएक्टिवेट में होगा क्या कि आप लोग इसे कभी भी फिर से लॉगिन कर सकते हैं, फिर से अपने पेज को वापस पा सकते हैं। ये सिर्फ डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपका पेज डिलीट नहीं होगा, तो आप जब चाहें फिर से इसे लॉगिन कर सकते हैं। और एक आपको मिलता है डिलीटिंग पेज का। तो डिलीटिंग पेज में अगर आप लोग करोगे, अगर आप लोग परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो आप लोगों को ये सिलेक्ट करना है। इससे आपका जो फेसबुक पेज है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और अगर आप लोग 30 दिन तक इसमें लॉगिन नहीं करोगे तो आपका जो फेसबुक पेज है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसे परमानेंट डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू करोगे आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या कारण है जिससे आप लोग अपने फेसबुक पेज को डिलीट करना चाहते हो। फेसबुक आपसे एक रीजन पूछेगा, तो आप लोग कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू करोगे आपका जो है पेज है उसकी सारी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। अगर आप लोग मान लो इसमें से आपका कुछ डाटा है जो आप लोग लेना चाहते हो तो वह आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मतलब आपके पेज में कुछ ऐसा डाटा है जो कि आपको फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, कोई वीडियो है या फिर कोई पोस्ट ऐसी है, तो आप लोग अभी उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर अपने डाटा को डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद ही आपका पेज डिलीट होगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पर अपने पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। तो भाई मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद मैंने जैसे ही कंटिन्यू किया तो हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर एक बार और ये पूछ रहा है क्या आप सही में डिलीट करना चाहते हो। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि गलती से भी हमारा हाथ डिलीट हो जाता है, तो इसलिए एक बार और पूछ रहा, तो हमें सिंपली फिर से कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू करोगे एक बार और ये पूछेगा आपसे कि आप लोग डिलीट वाकई में करना चाहते हो या नहीं। तो आप लोगों को करना क्या है, देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपका पेज डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन आपको 30 दिन तक उसमें लॉगिन नहीं करना है। अगर आप लोग इसमें लॉगिन कर लोगे तो ये फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। आपको 30 दिन तक इस पेज को लॉगिन नहीं करना है, तभी आपका पेज जो है डिलीट होगा। तो सिंपली हमें यहाँ पर डिलीट पेज पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग डिलीट पेज पर क्लिक करेंगे हमारा जो पेज है वो डिलीट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हमारा पेज जो है डिलीट हो चुका है और इसने हमें हमारी प्रोफाइल में स्विच कर दिया है। अगर मैं प्रोफाइल पर जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हो पहले जहाँ पर हमें यहाँ पर अपना पेज दिखा रहा था वो अब यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, हमें सिर्फ हमारी जो प्रोफाइल है वही यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने पेज को डिलीट कर सकते हो।
तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग भी अपने फेसबुक पेज को कैसे डिलीट कर सकते हो। अब आप ये मत बोलना कि पहले आप ही फेसबुक पेज बनवाते हो उसके बाद उसे डिलीट करवाते हो। तो अगर आप लोग डिलीट करना सीख गए हैं तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि फेसबुक से रिलेटेड और भी ऐसी कई सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आगे आने वाली है, तो आप लोग उनको मिस ना कर पाओ इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर कर लेना। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।